मोड़ते हुए पेट को दबाना है, इससे रीढ़ की हड्डी में दबाव महसूस होगा। सांस भरते हुए पेट को दबाना है, अब सांस छोड़ना है। रीढ़ की हड्डी के लिए अच्छा है। से बैक की समस्या दूर होती है। पैर को एक एक पैर को 45 डिग्री एंगल से ऐसा रोक करके रखना, दूसरे पैर से क्या रीढ़ की हड्डी पर प्रभाव पड़ रहा है, बैक की समस्या दूर होती है। अर्ध पवन मुक्तासन करेंगे, जैसे लॉक लगा लिया हो गर्दन घुटनों तक, दूसरे पैर से ये चार चार पांच पांच बार करना है। दोनों पैर से पवन मुक्तासन, जो भी गैस होगी वो निकल जाती है। अब हम साइकिलिंग करेंगे, उल्टे डायरेक्शन में बैक के लिए और हड्डी पर जोर आएगा, इससे मजबूत होगी। सीने वाला पोर्शन उठाना है, रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है। दोनों पैर जमीन से करीब 5 इंच 6 इंच ऊपर उठाना है, थोड़ी देर रोकना है। इसे 4-5 बार करना है। आगे का पोर्शन उठाना है, नाभि दर्शन, जैसे नाभि को हम देख रहे हो, छह बार ये करेंगे। उसके बाद नौकासन, पैर भी ऊपर उठाना है और इधर से धड़ भी ऊपर उठाना है। नौ जैसे बन गई हो नौकासन। ये बैक साइड की एक्सरसाइज हुई, अब हम लेट जाएंगे, दूसरे डायरेक्शन से एक्सरसाइज करेंगे। ये दोनों एड़ियों को मिलाना है, इधर से कुछ देर रोकना है।
सब बैक के लिए है, जिसे हमने पैर सीधे रहते के उठाए थे वैसे ही उल्टे साइड से भी उठाना है, तो इधर रोकना है। ये सब 10-10 बार 5-5 बार जैसा भी हो करना है। पेट के लिए दोनों हाथ को बांधा और तवा जैसा अपने को, जैसे तवा की आकृति रहती है, इस तरह से शरीर को रीढ़ की हड्डी पे अच्छा लोड आता है। भुजंगासन करेंगे, दृष्टि एक स्थान पर केंद्रित हो,